हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द टैग, यानी कि टैग ऑटो ज्ञान में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट हैरी। और दोस्तों, इंटरनेट पे बहुत ही मटेरियल वायरल हो रहा है कि फोर्ड इंडिया से जा रही है और मेरे काफी सारे फ्रेंड्स जो हैं, हमारे एक बहुत ही रेस्पेक्टेड कार एक्सपर्ट भी हैं, उनका कहना है कि फोर्ड इंडिया से नहीं जाएगी। उन्होंने इस मिथ को बस्ट किया है, पूरी तरह से नकार दिया है कि फोर्ड जैसी एक बड़ी नामी गिरामी कंपनी इंडिया से नहीं जा सकती। अगर इसी के बारे में आपको कुछ पॉइंट्स और क्लियर करने हैं तो मेरा एक प्रीवियस वीडियो है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां पे जाके उस वीडियो को देख सकते हो और फोर्ड का हाल वहां से भी जान सकते हो। आज का जो मेरा मुद्दा है वो ये है कि फोर्ड इंडिया से जाएगी या नहीं जाएगी, तो मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे वैलिड पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा। ये मेरी अपनी वर्डिंग नहीं है, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वहां से जाके भी ये डिटेल्स देख सकते हो। जहां तक हाल की बात करें तो फोर्ड के हालात ऐसे रहे हैं कि बीते कुछ सालों से फोर्ड के हालात इंडिया में ज्यादा अच्छे नहीं है। पिछले एक या डेढ़ साल से उसने काफी ज्यादा मशक्कत की है, काफी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट की है ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को थोड़ा इम्प्रूव कर सके, सेल्स को इम्प्रूव कर सके। कुछ फेसलिफ्ट बनाए जिसकी वजह से उसका इकोस्पोर्ट बिकना शुरू हो गया, फ्री स्टाइल आई जिसकी वजह से थोड़ा सा उसको बूस्ट मिला, फीगो का फेसलिफ्ट आया, तो ऐसे ही कुछ फेसलिफ्ट बना के उसने पेश किए जिससे थोड़ी सी सेल बूस्ट हुई है। तो फ्रेंड्स, इंडिया में सिर्फ दो ही चीजें चलती हैं, एक मारुति का नाम और दूसरी भेड़ चाल, या आप कह सकते हैं धड़ाधड़ फेसलिफ्ट, जैसे कि ह्यूंडई करती है। ह्यूंडई का काम है एक साल के बाद, डेढ़ साल के बाद अपनी कार को चेंज कर देना, फेसलिफ्ट बना देना या नया मॉडल ले आना जिससे कस्टमर अट्रैक्ट होके उसके प्रोडक्ट को खरीदे। तो दो ही काम चलते हैं। जो कंपनी इंडिया में कोई फेसलिफ्ट ज्यादा नहीं बनाती, को ज्यादा ऐसा चेंज नहीं करती, उसका सरवाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है या सेल्स फिगर्स कम हो जाते हैं। एक्सेप्शन है टोयोटा, टोयोटा में ये चीज अप्लाई नहीं होती, लेकिन हमारा आज का मुद्दा है फोर्ड का। तो 2017 में फोर्ड का टाइप हुआ महिंद्रा के साथ, जिसमें उन्होंने ये कलेबोरेशन किया था कि फोर्ड अपना हार्डवेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर फोर्ड को सप्लाई करेगा, प्रोवाइड करेगा, और फोर्ड उसे अपनी टेक्नोलॉजी और कुछ इलेक्ट्रिकल इनपुट्स प्रोवाइड करेगा जिससे वो मिलके दोनों कार्स बनाएंगे, सेल्स करेंगे और इम्प्रूवमेंट करेंगे। इस चीज से फायदा तो किसी कंपनी को मुझे तो लगता है नहीं हो रहा। शायद यही वजह है कि इंटरनेट पे ये चीज वायरल हो रही है कि फोर्ड अपना महिंद्रा के साथ जो टाइप है वो आने वाले 3 महीनों तक खत्म करने वाला है। खत्म करना ही पड़ेगा क्योंकि कुछ ज्यादा फायदा हो नहीं रहा, कंपनी को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ रही है इस टाइम। आप अगर इस टाइम भी देखो तो इंडिया की कार मार्केट में फोर्ड का शेयर सिर्फ 3% है। उस 3% शेयर से फोर्ड क्या करेगा, और आने वाले सालों में ये चीज सुधरने वाली बिल्कुल भी नहीं है, ये चीज और ज्यादा गिरने वाली है और ज्यादा बिगड़ने वाली है। कारण उसका ये है, आपको यहां पे इंडिया में एमजी मोटर्स आ रहा है जो कि सेक मोटर की तरफ से है, एक दो साल में किया मोटर्स आ रहा है, और इन दोनों मोटर कंपनीज का इंडियंस को बेसब्री से इंतजार है। अगर ये दोनों कंपनीज आती हैं तो फोर्ड को उसके बाद कौन पूछेगा। मुझे तो लगता है कि सेल्स फिगर्स कम ही होंगी, सुधरने वाली नहीं है। और मेरे कुछ फ्रेंड्स कहते हैं कि शेवले मोटर्स या जनरल मोटर्स तो इंडिया में अभी भी हैं, वो गया नहीं है और वो मुनाफा कमा रहा है। मुनाफा तो वो कमाएगा ही, इंडिया में रह के अपनी मैन्युफैक्चरिंग जनरल मोटर्स अभी भी कर रहा है, कार्स को एक्सपोर्ट करता है बनाने के बाद और बेच के मुनाफा कमा रहा है। यार, अगर वो इंडिया में है तो क्या झक मार रहा है, अपने प्रोडक्ट्स उसने बंद क्यों किए, पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है। अगर वो यहां पे अभी भी है, उसका कारण ये है कि इंडिया में टैक्सेस कम है, अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यहां के वहां पे उनके लगे हुए हैं ऑलरेडी, टैक्सेस कम होने की वजह से वहां अपने प्रोडक्ट्स वो बनाते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं और मुनाफा कमाते हैं। और जनरल मोटर्स के जाने से पहले भी जो लोग ये बोलते थे कि जनरल मोटर्स इंडिया से नहीं जाएगा, वो तो नए नए प्रोडक्ट्स बना रहा है, तो वो भी इंडिया से गया।
आपने होल्डन कंपनी का नाम सुना होगा जो कि ऑस्ट्रेलिया में काम करता था अंडर द बैज ऑफ जनरल मोटर्स। अगर ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में एक बड़ी नामी गिरामी कंपनी जा सकती है, वो भी जनरल मोटर्स था, इंडिया में भी जनरल मोटर्स जो कि शेवले से काम कर रहा था और ऑस्ट्रेलिया में होल्डन के नाम से काम कर रहा था, वहां से भी उन्होंने क्विट किया, वहां से भी वो चले गए, तो इंडिया तो एक छोटा सा मार्केट था। ठीक है, तो अगर मैं फोर्ड की बात करूं तो फोर्ड में रशिया की अगर हम बात करें तो फोर्ड ने ये चीज वहां पे अनाउंस कर दी है कि वो अपने वहां पे एक दो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और एक इंजन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद कर रहा है, मतलब टोटल तीन यूनिट्स वहां पे बंद हो रहे हैं। अगर रशिया से फोर्ड निकल सकता है तो इंडिया से भी इसके निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा है आने वाले तीन साल के अंदर अंदर। अगर आने वाले तीन सालों में फोर्ड का सुधार इंडियन कार मार्केट में नहीं होता तो माय डियर फ्रेंड्स ये श्योर हो जाएगा कि फोर्ड इंडिया से चला जाएगा। चला जाएगा का मतलब ये नहीं है कि वो 100% यहां से चला जाएगा, हो सकता है किसी और नाम से, किसी और ब्रांड से वो दोबारा इंडिया में एंट्री करे, सिमिलरली जैसे कि जनरल मोटर्स इंडिया से गया और एमजी मोटर्स आ रहा है। अब ये जनरल मोटर्स और एमजी मोटर्स का आपस में लिंक क्या है वो भी मैं आपको समझाता हूं। जनरल मोटर्स जब इंडिया में था तो उसका शेयर चाइनीज मोटर सेक मोटर्स के साथ काफी परसेंटेज में था। जब जनरल मोटर्स चला गया अब वही सेक मोटर एमजी मोटर्स में कन्वर्ट होके इंडिया में अपना बिजनेस शुरू करने वाला है और वो अच्छे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करेगा, अच्छी क्वालिटी, अच्छी बिल्ड क्वालिटी, अच्छे फीचर्स प्रोवाइड करेगा ताकि वो अपना नाम बना सके। सिमिलरली अगर फोर्ड इंडिया से जाता भी है तो वो अपना नाम चेंज करके किसी और कंपनी, किसी और ब्रांड की फॉर्म में इंडिया में आ सकता है। ये चीजें 100% श्योर तो नहीं हो सकती ये, लेकिन मेरे पर्सनल ओपिनियंस हैं, मेरी थिंकिंग है कि जो हालात इस टाइम फोर्ड के इंडिया में है, रशिया में है, वो कंडीशन से मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि फोर्ड इंडिया में आने वाले तीन सालों से ज्यादा सरवाइव कर पाएगा। तो ये मेरे कुछ वो टेक्निकल जो कार एक्सपर्ट्स हैं उनसे मेरे क्वेश्चन है कि मेरे जो व्यूज हैं आपको कैसे लगे हैं, जो आप अपने व्यूज देते हैं वो किस बेसिस पे देते हैं, मार्केट में जो हो रहा है उसको देखते हुए, जो पास्ट में हुआ था उसको देखते हुए ये चीजें वैलिड आपको लगती हैं या नहीं लगती हैं मुझे जरूर बताइएगा। मैं तो क्वेश्चन पूछता रहता हूं लेकिन मुझे उसका कोई जवाब मिलता नहीं है। हाँ, फोर्ड एक अच्छी कंपनी है, उसके पास कैपेबिलिटी है, टेक्नोलॉजी है और करने का दम भी है। मेरा ओपिनियन ये है कि अगर आने वाले तीन सालों में फोर्ड कुछ करना चाहता है तो सबसे पहले वो थोड़ा सा R&D करे अपने स्पेयर पार्ट्स सेक्टर पे, अपने स्पेयर पार्ट्स की वो कॉस्ट कम करने की कोशिश करे और हर सिटी में कम से कम एक स्पेयर पार्ट आउटलेट जरूर दे, जिससे कस्टमर्स को थोड़ा सा ट्रस्ट बन सके कि मुझे मेरी गाड़ी के जो भी मैं फोर्ड प्रोडक्ट खरीदूंगा कल इन फ्यूचर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी स्पेयर पार्ट्स लेने में और उसको परचेज करने में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि उसकी कॉस्ट कम ही होगी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो फायदा कर सकते हैं कंपनी को भी। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, अच्छा लगेगा मुझे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।